हेलो एंड वेलकम टू 81st एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्री सिंड्रोम्स ऑफ लो बैक पेन। अब लो बैक पेन भी बहुत तरह का होता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे बैठा नहीं जा रहा ज़्यादा देर, कई लोग कहते हैं कि मुझे झुका नहीं जा रहा या पीछे नहीं जाया जा रहा, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तो लेग में पेन जा रही है, कई लोगों से ड्राइविंग नहीं हो रही, ऐसे बहुत से काम है। पर इनकी वैरायटी जो ये सिंड्रोम्स हैं, ये तीन आपकी हर बैक पेन जो होती है, लो बैक पेन या सियाटिका, वो इन्हीं तीन सिंड्रोम्स पे डिपेंडेंट होती है। मतलब आपका जो कहीं ना कहीं ये जो कैटेगरी है, आप किसी ना किसी तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में ज़रूर होते हैं, और कई पेशेंट तो कई बार तीनों कैटेगरी में होते हैं। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं, कौन सी टाइप्स हैं, इसके क्या कॉजेज हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये है हमारे तीन सिंड्रोम, जिसमें आपकी लो बैक पेन या सैटिका जिसको भी है वो किसी ना किसी सिंड्रोम में फॉल ज़रूर करता है, यानी कि ये उसका कोई ना कोई कॉज ज़रूर है। अभी इसका क्रेडिट जाता है मकेंजी को। मकेंजी ने एक्सप्लेन किए हैं ये तीन सिंड्रोम। फर्स्ट थर्ड है डिरेंजमेंट, सेकेंड डिसफंक्शन और थर्ड पोस्टरल सिंड्रोम। अब डिरेंजमेंट क्या होता है, हमारे पास जब भी लो बैक पेन होती है तो उसका कोई ना कोई मैकेनिकल कॉज होता है। अब वो मैकेनिकल कॉज एक्सप्लेन किया गया कि 95% केसेस में जो डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वही इन्वॉल्व होती है इसकी वजह से ही लो बैक पेन और देखा गया है सियाटिका जो डीरेंजमेंट सिंड्रोम में आते हैं। क्योंकि मैकेनिकल डिफेक्ट यानी कि उसकी जो मूवमेंट होती है डिस्क के निकलने की वजह से, वो मैकेनिकल हिंड्रेंस क्रिएट करती है। वो हिंड्रेंस की वजह से अब पेशेंट जब मूव करता है या पीछे जाता है, उसको कहीं ना कहीं जो केनाल उसकी नैरो हो रही है, यानी कि लंबर वर्टिब्रा के राउंड या स्पाइन के राउंड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो डिस्क की अलाइनमेंट खराब होने की वजह से या डिस्क प्रोलैप्स की वजह से आ रही है। अब हमेशा ये सही नहीं होता, क्योंकि लोगों को यही तो जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हो जाती है कि मेरे को हमेशा ही डिस्क बल्ज की वजह से पेन होगा और सारी उम्र के लिए रहेगा। ऐसा नहीं होता। वो एक्यूट केस के बारे में जो इसके टेस्ट हैं वो भी आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मेरे को लगता है इसके 3-4 एपिसोड बनेंगे इसी टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी, सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आपने मिस नहीं करना है। इसके ABCD पार्ट में जितने हो सकेंगे बनाऊंगा। तो डीरेंजमेंट में क्या होता है, डिस्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या फेसेट जॉइंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तब जाके हम कहेंगे कि वो डीरेंजमेंट सिंड्रोम है। अब डीरेंजमेंट सिंड्रोम को चेक कैसे करना है, इसके 5 जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, एक तो अगर एक्यूट स्लिप डिस्क होता है तो उसमें SLR टेस्ट पॉजिटिव होता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, उसका वीडियो ज़रूर देख लें, जो जो मैं बताता जाऊंगा उसका वीडियो देख लें, उसका मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो जाके ज़रूर देखें, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सेकेंड आता है कफिंग स्नीजिंग में पेन आएगा, इंटर एबडोमिनल प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तब पेन आएगा। थर्ड आता है अर्ली मॉर्निंग पेन आता है, जब डिस्क हमारी जब बल्ज लेती है वाटर स्टोर करती है तो उसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग पेन भी आता है। फोर्थ आता है कि सिटिंग में या हम फ्लेक्शन करेंगे झुकने लगेंगे तो एकदम से शूटिंग पेन आएगा और वो लेग तक भी जा सकता है। तो ये इसके जो डीरेंजमेंट सिंड्रोम है, काफ़ी तरह के डीरेंजमेंट्स हैं वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको कैटेगरी समझा रहा हूँ। तो डीरेंजमेंट का मैंने आपको बता दिया, डिस्क की वजह से मैकेनिकल हिंड्रेंस, कोई भी लंबर स्पाइन के राउंड हो रही है उसकी वजह से, केनाल के अंदर कोई खराबी आ रही है तो उसकी वजह से जो पेन होगा या लेग में पेन जाएगा तो वो डीरेंजमेंट में आएगा। सेकेंड आता है डिसफंक्शन सिंड्रोम। डिसफंक्शन में क्या पेशेंट फील करेगा कि उसको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो बैक पेन हो रहा है, पर वो झुकने लगता है तो उसका जो फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है वो लिमिटेड हो जाता है। कई लोग आपने देखा होगा डिस्क के बाद ये कंप्लेंट करते हैं कि मुझसे अब ज़्यादा झुका नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा झुकता हूँ तो वहाँ पे मुझे खींच पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये इसको कहते हैं डिसफंक्शन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कारण बनते हैं। आपको पता है लंबर स्पाइन के राउंड जो सॉफ्ट टिश्यू यानी कि मसल्स हैं या लिगामेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, जब हमारा डिस्क निकलता है तो वो स्पाज़म में चले जाते हैं, स्पाज़म में चले जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है। क्यों? क्योंकि हीलिंग करनी होती है डिस्क ने, तो बाकी मसल जब स्पाज़म में रहेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव स्पाज़म। प्रोटेक्टिव स्पाज़म में क्या होगा, जब वो टाइट कर देगा तो आपकी मूवमेंट नहीं होगी, उसके लिए डिस्क को हील करने का टाइम मिल जाएगा। अगर आप मूव करते रहेंगे तो डिस्क हो सकता है फिर और इन्फ्लामेशन क्रिएट करती रहे, इसीलिए यह जो शॉर्टनिंग है ये अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है टिश्यूज़ की। और सेकेंडली क्या होता है कि जब पेशेंट को पता लगता है कि मेरे को ए वाली करने मूवमेंट करने में पेन आ रहा है या ए वाली मूवमेंट, तो वो खुद ही क्या करता है, अपने टिश्यूज़ को टाइट कर लेता है, वो मूवमेंट उस रेंज में जाता ही नहीं है। अदरवाइज हमारी बॉडी में एक अच्छा मैकेनिज्म है कि जब हम झुक रहे होते हैं तो हमारे जो लिगामेंट्स हैं उतना झुकाते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेच देते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे लिगामेंट्स टाइट हैं, अब हमें उस रेंज से बाहर नहीं जाना। पर ये जो डिसफंक्शन सिंड्रोम में आते हैं
ये तो हमारी जो नॉर्मल रेंज है उससे भी पहले रुक जाते हैं, जहाँ तक हम झुक सकते हैं उससे भी पहले ये झुका के और सिग्नल देते हैं कि यहाँ से और नीचे नहीं जाना, मतलब हाफ वे वे में हमें वापस आना पड़ता है। तो ये होता है डिसफंक्शन सिंड्रोम, यानी कि या तो पेशेंट फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, या एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा, या रोटेशन नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो क्राइटेरिया, इसमें जो कैटेगरी है, जो पेशेंट्स इसमें फॉल करते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। जो भी मैं बताता जा रहा हूँ सिम्टम, वो आपको पता लगता जाएगा कि मेरी कौन सी कैटेगरी है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे इसी दौरान इस कैटेगरी का ट्रीटमेंट करना है। अब डिसफंक्शन का एक और रूल है कि वो कभी भी मतलब सिंपली नहीं आता, यानी कि डीरेंजमेंट होने के बाद ही डिसफंक्शन आता है। कई लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम जो है वो सीधी डिसफंक्शन में आती है, बहुत रेयर चांसेस हैं, पर डीरेंजमेंट के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया डिसफंक्शन होने का कारण एडेप्टिव शॉर्टनिंग। एडेप्टिव शॉर्टनिंग तभी होगी जब कोई ना कोई मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट होगा, और मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट आएगा डीरेंजमेंट में। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे पास जो है ये साथ साथ चलते हैं, या पहले ये आता है उसके बाद ये आता है, ये आपको याद रखना है। तो डिसफंक्शन सिंड्रोम में पेशेंट झुक नहीं पा रहा, शॉर्टनिंग की वजह से टिश्यूज शॉर्ट हो गए, सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, उसको मोबिलिटी नहीं दे रहे, तो ये जो लैक ऑफ मूवमेंट है ये क्रिएट करता है डिसफंक्शन। थर्ड आता है पोस्चरल सिंड्रोम। पोस्चरल सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो एक पर्टिकुलर पोजिशन में बैठा ना रहे काफ़ी देर तक। ये होता है जैसे हमारे टिश्यूज हैं या हमारे जो प्रॉब्लम है बैक पेन, उसको तब होगा जब उस पर लगातार स्ट्रेस डला जाएगा, कंटिन्यूस लोडिंग जब होती है उसकी है स्पाइन में। मान लीजिए कोई सिटिंग कर रहा है तो काफ़ी देर से सिटिंग कर रहा है, या ड्राइविंग कर रहा है काफ़ी देर से बैठा है, या उसको क्या करेंगे जब कई बार कहते हैं वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे होता है ऐसे एक पोजिशन में झुक के, या गार्डनिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है वो एक पर्टिकुलर पोस्चर में काफ़ी देर तक उसने लोड लिया हुआ है स्पाइन पे। अब उसके जो सिम्टम्स हैं अगर आप SLR टेस्ट करने की कोशिश करेंगे या उसको झुका के देखेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सारे इसको जो है ना सिम्टम लेस आएगा। पर फिर से जब अपनी वो सीट पे बैठने लगेगा, उस पोस्चर को क्रिएट करेगा खराब वाले पोस्चर को, उसको तब फिर से पेन आएगा। तो ऐसे पेशेंट को हमें जो टेस्ट करना होता है वो उसकी कंटिन्यूस सिटिंग या कंटिन्यूस स्ट्रेस डालना पड़ता है उस पर्टिकुलर पोस्चर में। मान लीजिए जो गार्डनिंग वाला है पेशेंट, उसको काफ़ी देर तक उस पोजीशन में रख के फिर वो कहेगा कि जब मैं बैठ के उठता हूँ तो मुझे मुश्किल आ रही है। ऐसे ही जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, उनको भी ऐसे ही लगता है जब हम पर्टिकुलर पोस्चर में बैठेंगे तब हमें प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप इस कंडीशन में इसकी डिस्क का इलाज करते रहेंगे या कायरोप्रैक्टर उसको झटके मार के अलाइनमेंट ठीक करते रहेंगे, वो कभी ठीक नहीं होगा, और ना ही डिसफंक्शन वाला कभी ठीक होगा। क्योंकि इसका जो रीज़न है, अब मैं आपको रीज़न ही तो बता रहा हूँ कि अगर आपका रीज़न आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ तो उसके हिसाब का आपका ट्रीटमेंट होगा। इसीलिए लो बैक पेन वाले सैटिका वाले पेशेंट परेशान रहते हैं कि मैंने तो सब कुछ करवा के देख लिया पर मुझे मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि आपकी गलत कैटेगरी का इलाज हो रहा है। 95% केसेस में क्या होता है, सिर्फ इस कैटेगरी का इलाज करते हैं लोग, वो भी डिस्क का। ना फेसियर ज्वाइंट को देखा जाता है, ना कैनाल को देखा जाता है, ना उसकी रीजन को देखा जाता है, क्योंकि हर टाइम तो डिस्क जो है वो अवेलेबल नहीं होती ना, प्रोलैप्स नहीं है, क्योंकि कभी एक्यूट है कभी क्रॉनिक है, और क्रॉनिक में आप एक्यूट स्लिप डिस्क का इलाज कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो पोस्चरल सिंड्रोम वाले हैं उनका टेस्ट क्या करना है, उनको पोस्चर उस पोस्चर में बिठाएं, उसके बाद क्या होता है वो आपको बताएंगे कि हाँ अब मुझे ये पेन होना शुरू हो रहा है, अदरवाइज सारे दिन में वो नॉर्मल। तो इसलिए इसको टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें डिस्क का कोई कारण नहीं होता। सेकेंडली एक और चीज़ है कि पोस्चर सिंड्रोम वाले का जो ट्रीटमेंट है वो हमें करेक्ट पोस्चर करने से ही ठीक हो सकता है। उसका पोस्चर कैसे करेक्ट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके तीनों के डीरेंजमेंट का, क्योंकि डीरेंजमेंट जो है वो सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी डीरेंजमेंट्स आएंगी, हर डीरेंजमेंट का अलग एक्सरसाइज और अलग ट्रीटमेंट है। ऐसे डिसफंक्शन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का है ये नॉर्मल है, और पोस्चरल सिंड्रोम का भी पोस्चर कैसे ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें लेके बैठ सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अब पता लगेगा इसकी जो टेक्निक क्या है, इसका जो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो अब आपको मिलनी शुरू होगी, क्योंकि एडवांस टेक्निक है, और थैंक्स टू मैकेंजी के जिसने हमें ये सारी चीज़ें समझाई हैं। अब मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और मैं आपको इसके जितने भी लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो जो मैंने आपको बताया SLR टेस्ट कैसे चेक करना है, या हमारे एक्यूट स्लिप डिस्क में क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूँगा।
Have a nice day. Take care of yourself.